लगा सकते हैं। जनरल का जो आंकड़ा आ रहा है, मेरे पास जो जितने भी बच्चों से मैंने बात की, जितने एक्सपर्ट से बात की है, मैं मान रहा हूं कि जनरल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत, जनरल के अंतर्गत जो है वो 97 से लेकर और 1, ये मेरे कोडिंग जनरल की मेरी रहनी चाहिए, ठीक है ना। 97 से लेके मैं मान रहा हूँ कि 102, ये पर्सन जिस बच्चे के सही है, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जाकर नंबर की बात नहीं है, जिसके ये पर्सन सही है, यानी इनके बीच में आ रहा है माइनस नेगेटिव वेगेटिव कट के, वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में 100% शामिल है। हो सकता है 95 प्लस वाला हर बच्चा सिलेक्ट हो जाए, कोई बड़ी बात मत मानेगा। जब पेपर हम देते हैं उसमें लगता है मेरे बहुत सारे थे, लोगों ने इतने माइनस किए, 120, 130, 35 बाहर आए तो और कम हो गए। और जब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अपनी रियल में माया दिखाएगा, मतलब आंसर की जारी करेगा, कुछ भी मान सकता है, मान लीजिएगा, मैंने देखा पीटी एग्जाम वगैरह में, साइकोलॉजी में आंसर कुछ भी मान सकता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 से 4, 5 नंबर, 6 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, परवाह मत करना, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है कंपटीशन, इससे बड़ा कंपटीशन है और आगे जिंदगी में लड़ना, ये सबसे बड़ी चीज मैं फिर बोल रहा हूं। हार्ड मत, जो बच्चे कमजोर हैं, मैं बच्चों को भी बोल रहा हूं, एक साधारण कंपटीशन था, इसको साधारण मान के चलिए, जिंदगी खत्म नहीं, याद रखना। सेकंड ग्रेड है, ग्रेड फर्स्ट का कोई लेक्चर है, संगणक एग्जाम है, एलडीसी है, यूआरओ की साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए इतना गजब का चांस होता है, इतनी गजब की पोस्ट होती है, छोड़ना मत, जो बच्चे रहेंगे और जो बच्चे इस दायरे में आ रहे हैं, बच्चों को मेरी राय है, मेहनत मत छोड़ देना, सिलेक्शन कंफर्म मत मान लेना, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 97 से 102 जो जनरल में है, जिसके पर्सन सही है, वो सिलेक्शन की दौड़ में 100% शामिल है। इसमें आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनका क्या क्राइटेरिया मानेंगे? तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया होता है, देखो आजकल जनरल और ओबीसी इक्वल सी रहती है, मतलब कि नॉर्मली अपन मान के चलें कि यहां पे 2 से 4 प्रश्नों का अंतर रहेगा, लेकिन साइंस मैंने कहा कि डिफरेंस पैदा करेगा, बाकी विषय में सेम हो सकता है, लेकिन विज्ञान डिफरेंस पैदा करेगा। तो मैं मान रहा हूं कि विज्ञान में ओबीसी की जो मेरिट है, जो बच्चे सेफ जोन में, वो 93 से लेकर 95 के बीच के जो बच्चे हैं, वो मैं मानता हूं सेफ जोन है, ठीक है ना। यहां यदि आप हैं तो मेरे कोडिंग सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जो मेरे पास आया है। अब हो सकता है कि मेरे कई बच्चे यहां से बहुत अच्छी रैंक वाले हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है, और रियल आंसर की आएगी उसके बाद और भी डाउन आ सकता है, याद रखना, जरूरी नहीं है कि यही रहेगी, इससे ज्यादा भी जा सकती है, प्लस माइनस हो सकता है। अभी तक का जो फीडबैक मिला उसके कोडिंग बता रहा हूं, 93 से 95 ऑब्वियसली याद रखना, ठीक है, मतलब वो सेफ जोन में अपन मान सकते हैं, जरूरी नहीं है। बाकी देखो, सबसे सेफ जोन ही होता है कि जो 100 ज्यादा रहती है, जनरल में मेल की 180 से 185 अंक, प्यारे साथियों, ये अंकों की बात कर रहा हूं, ना कि मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूं, अंकों की बात कर रहा हूं, और फीमेल की बात करें तो 161 से 172, आपको कैसा रीट लेवल 1 से कम है, बिल्कुल मेरे भाई, ये रीट लेवल 1 से कम रखा गया है, रीजन इसका है कि पेपर का लेवल था, लेवल जो था वो वास्तव में स्तरीय लेवल था, और यहां जो ओबीसी की बात करें 175 से 185 और फीमेल के लिए 160 से 165, एससी की बात करें 160 से 170 और फीमेल की बात करें 140 से 150 और एसटी यही 160 से 170 और 140 से 150, ये एक कट ऑफ का एरिया आपका जो रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों। ये केवल मेरे स्वयं के, ओनली केवल मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये हमारी टीम, हमारी संस्था और हजारों विद्यार्थियों के जो पॉल है, उनमें पॉल में हुई वोट का है, और साथ ही साथ हजारों विद्यार्थियों के जो फीडबैक आए एग्जाम के बाद, आंसर की मिलाने के बाद, जो फीडबैक है उनके आधार पर तैयार की गई है, ये वो अंक है जो नेगेटिव काटने के बाद में आपकी लास्ट में बच रहे हैं। अब बात करें हम टीएसपी की, टीएसपी में जनरल की बात करें, ओबीसी और जनरल दोनों इसी में कम हो चुके हैं, 155 से 165 अंक मेल के, 140 से 145 अंक फीमेल की, एससी और एसटी की बात करें तो 140 से 145 और इधर 125 से 130, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद बहुत से साथी कमेंट में पूछेंगे कि सर मैं जनरल से डाइवोर्स हूं या डाइवोर्स है या वीडियो कैटेगरी है या विकलांग है या स्पोर्ट्स छोटा है, ओबीसी में भी स्पोर्ट्स छोटा है, विकलांग है, तो वहां पर आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? तो प्यारे साथियों, मैं सीधा सा कहूंगा कि अगर आप उसमें डाइवोर्स की बात करते हैं तो आप 10-10 अंक यहां कम कर लीजिएगा, और अगर वीडियो कैटेगरी की बात करते हैं तो 20 से 25 अंक आप इसमें और कम कर लीजिए। और फीमेल दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं जनरल के अंदर, तो जनरल के अंदर टीएसपी की अगर मैं बात करूं ना, तो 150 से लेकर 160 के आसपास या 165 की अगर मैं बात करूं ना, तो 165 तक मेल की कट ऑफ जाने वाली है, टीएसपी की बात करने वाला हूं पहले। और फीमेल की अगर बात करें तो 140 से लेकर 150 मार्क्स के बीच की बात करेंगे अपन, जनरल की बात करने वाला हूं। इसके अलावा अगर अपन बात करें एससी के बारे में, अगर अपन बात करें एससी कैटेगरी की बात करें ना, तो मेल की अगर अपन बात करें तो ये लगभग रहने वाली है आपकी 140 से लेकर 145 तक रहने वाली है। देखो, दूसरी कोचिंग वाले, दूसरे एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से व्यूज रखते हैं, मैं मेरे हिसाब से व्यूज रखता हूं। रीजन एक बता रहा हूं यहां पे कि टीएसपी के अंदर मेरे को सबसे ज्यादा जो कांटेक्ट में स्टूडेंट है ना, वो टीएसपी वाले हैं, उन सभी के मार्क्स मैंने देखे हैं, सभी से मांगे थे मैंने, उनसे पेपर का रिव्यू जाना था, उसके आधार पर बता रहा हूं। एससी 140 से 145 जो है ना, वो आएगा हमारे यहां पे। और अगर अपन फीमेल की बात करें तो 125 से लेकर 130 के बीच की बात करेंगे यहां पे, जिनके इतने नंबर से वो आप अच्छी सिचुएशन में हो, बिल्कुल क्लियर है। हम जो मेरिट निकालते हैं कैंडिडेट के आंकड़ों के ऊपर निकालते हैं, जो हमारे सामने आंकड़े आते हैं वहां से बात करते हैं। और तीसरी अगर अपन बात करें एसटी कैटेगरी की, अगर मैं बात करूं ना, तो एसटी के अंदर जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग सेम रहने वाली है, 135 से लेकर 145 के बीच में रहने वाली है, एसटी की कट ऑफ रहने वाली है। और अगर अपन बात करें फीमेल की, तो फीमेल की कट ऑफ लगभग एससी के समान रहने वाली है, 1-2 नंबर प्लस माइनस जो है वो चांस रह सकता है हमारा, क्लियर। और अगर ये रही हमारी टीएसपी की कट ऑफ है, अगर अपन नॉन टीएसपी की तरफ जाते हैं, तो देखो नॉन टीएसपी के अंदर वो सारे विद्यार्थी आते हैं, ऑल ओवर राजस्थान से हमारे पास आते हैं। और अगर इसमें जनरल की बात करने वाले हैं, मेल की बात करने वाले हैं, फीमेल की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं अपन, जनरल के अंदर अगर देखें ना, तो 180 से लेकर 195 मार्क्स तक है, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें यहां पे फीमेल की बात करने वाले हैं, तो फीमेल जो है वो लगभग 168 से लेकर 175 तक जो है ये सेफ स्कोर माना जा सकता है हमारा। और दूसरी अगर अपन बात करें ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी की अगर हम बात करें, तो देखो ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं आता है हमारा, इसकी कट ऑफ 175 से लेकर 185 के बीच में वेरी करेगी हमारी। और अगर अपन बात करें फीमेल की बात करें, तो फीमेल की कट ऑफ 160 से लेकर 170 के बीच में, 160 से लेकर 170 के बीच के आसपास की आती है कट ऑफ हमारी। और फिर अगर अपन बात करें एससी की, तो ऐसी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग 160 से लेकर 165 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है मेल की, अगर अपन बात करें वहां से। फीमेल की अगर अपन बात करें, तो 140 से लेकर 150 के बीच में एससी फीमेल की अगर मैं बात करूं तो वहां जाएगी। और अगर अपन बात करें एसटी की, तो एसटी की जो हमारी कट ऑफ लगभग रहने वाली है वो लगभग रहने वाली है 160 से लेकर 170 के आसपास, और फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी वो हमारी लगभग 135 से लेकर 145 के बीच में ये वेराई करने वाली है। ये एसटी की कट ऑफ है, साइंस की बात कर रहा हूं मैं, वापस आपको एक चीज और बता देता हूं। आप ये सोच रहे हो कि सर ये कट ऑफ बहुत कम बता रहे हो, लेकिन मैं आप ये बात बता रहा हूं, इसमें महिलाओं की अगर बात करता हूं तो 5 से 7 नंबर कम कर लेना। अगर महिलाओं की बात करें तो 5 से 7 नंबर कम कर लेना, हर एक के अंदर 5 से 7 नंबर कम कर लो, वो महिलाओं की आ जाएगी, और ये पुरुष भाइयों की है। और अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं, किसकी बेटा, जितने मेरे भाई बंधु हैं, ये तो जनरल की है, कितने बोले 90 से बढ़ा है। और ओबीसी की बात करता हूं तो कितने 88 से 90, यानी 176 से लेकर 180 के बीच में, और हो सकता है इससे एक आधा नंबर ऊपर भी हो जाए, लेकिन ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, नीचे आने की संभावना थोड़ी बहुत है, कि 176 के स्थान पर 176 भी हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन महिलाओं की अगर बात करता हूं तो इसे 10 नंबर कम कर लो, जहां पर 176 वहां पर 167 कर लो, जहां पर 180 वहां पर 170 कर लो। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 86 से 88% जिनके सही है उनका मामला बिल्कुल करेक्ट है, सेट है। और नंबर की बात करता हूं तो 172 से 176 के बीच में, और एमबीसी की बात करता हूं तो 84 से 86 और 168 से 172 के बीच में, और महिलाओं की बात करते हैं 10 नंबर कम कर लो। एससी की बात करें तो कितना 80 से 82 160 से 164, और एसटी की बात करूं तो कितना 75 से 70% की 150 से 154 के बीच में महिलाओं की बात करें तो 10 नंबर कम कर लो। तो ये था मेरे नौजवान भाइयों, आप लोगों के लिए। और ये आपका अगर मैं बात करूं किसकी, बोले मुझे टीएसपी की बताओ, टीएसपी अगर जनरल की बात करता हूं तो 155 से 165 वाला, और एससी की बात करते हैं तो 142 से 145 वाला, और एसटी की बात करते हैं तो 140 से 142 वाला का मामला यहां पर सटीक है, 100% बता रहा हूं आप लोगों को, ये उसके सही हो रहे हैं, और वो भी प्लस माइनस 3।
तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। ये लगभग संकल्प का मानना है, संकल्प के विद्यार्थियों का मानना है, ये एक अनुमान है। और 80% जो वोटिंग हुई है, 90% वो इसी के ऊपर ही हुई है। उस वोटिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्यार्थियों से बात करने के बाद हमारे सामने जो आया वो लगभग ये रेशो है। आप कहां से हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। देखो जब पेपर करने बैठते हैं ना या एग्जाम देके आते हैं तो सबको ऐसा होता है, मैंने 120 क्वेश्चन किए, 110 क्वेश्चन किए और मेरे तो सारे सही है। ये पॉसिबल भी नहीं है। हमारा मानना एक अलग हो सकता है। आंसर की में जब हम मिलाते हैं क्वेश्चनों को तो वहां पे थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि इस तरीके से ये रह सकता है।